राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस में आक्रोश देखा जा रहा है। आपको बता दें, सीधी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौराहे पर सत्याग्रह किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी संजय कपूर और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह समेत तमाम कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर लोकतंत्र की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं ने आगामी चुनाव में बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत का दावा किया है। जवान पे बोलने की पाबंदी ने लगा दी जाएगी। लोकतंत्र में विपक्ष का काम सवाल पूछने का है। जब उस पूछने की आप आज़ादी को ही आप खत्म कर देंगे, जो बोलेगा उसके खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स और आईबी के छापे पड़ने लगेंगे और वो देशद्रोही हो जाएगा, तो यकीन देश का बहुत ज़्यादा समय सुरक्षित नहीं रह पाएगा उनके हाथों में लोग चला रहे हैं। तो इसलिए राहुल जी ने जो आवाज़ उठाई है भारत जोड़ने की, और हमें सबको जोड़ के चलना है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सबको जोड़ के चलने की बात करी है और भारतीय जनता पार्टी को ये महसूस होने लगा है कि हमारे दिन पूरे हो चुके, सरकार के बदलाव के दिन शुरू हो गए। साफ कहना चाहता हूँ कि विंध्य प्रदेश ने सब कुछ दिया, आपने क्या किया। 2018 में सिर्फ 6 विधायक 30 में से कांग्रेस पार्टी के, 24 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन सीधी से सिंगरौली की सड़क तक नहीं बनवाई। एक कोई बड़ी योजना मध्य प्रदेश की विंध्य में नहीं दी। हमसे सब कुछ लो, हमें दो कुछ ना, इसका उत्तर जनता देगी इस चुनाव। जिस तरह से देश में लोकतंत्र की हत्या की गई है, राहुल गांधी जी ने देश की जनता की आवाज़ उठाई। जो भारत सरकार अडानी को जिस तरह से अवैध तरीके से फायदा पहुंचाया, 20,000 करोड़ खाते में जोड़ा, इसके बारे में मैं पूछा था। LIC का जो निवेश है, LIC से जो लोन दिया गया, देश के प्रधानमंत्री के साथ अडानी की क्या रिश्ते हैं, विदेश यात्रा में जहाँ जहाँ गए वहाँ उद्योग स्थापित हो गए, वहाँ कारोबार संस्थान शुरू हो गए, इन सब बातों के बारे में राहुल गांधी जी ने लोकसभा में चर्चा की थी। और 3 साल पुराने प्रकरण में राहुल गांधी जी को जिस तरह से सजा दिलाकर, जबकि इस तरह के मामले में 2 साल की सजा बनती भी नहीं है।